दोस्तों, आप सबको गगनयान के बारे में पता तो होगा ही, लेकिन क्या आपको पता है कि गगनयान शुरू करने से पहले इंडिया को कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे, जैसे कि SRE 2007 में हुआ था, KR एक्सपेरिमेंट 2014 में हुआ था, GSLV MK3 2014 में डेवलप किया गया। इसके अलावा RLV TD और क्रू एस्केप सिस्टम एंड अबॉर्ट टेस्ट, ये सब चीज़ें क्या आपको पता हैं? और अगर पता है तो क्या आपको विजुअलाइजेशन है कि ये चीज़ें दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं और गगनयान में इनका ज़रूरत क्या था? अगर ये आपको बातें नहीं पता हैं तो मेरे साथ ही आप वीडियो देखिए, बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको सारी चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, प्रीलिम्स इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, बस PT 365 रीड कर लेने से नहीं होगा, अदरवाइज बहुत सारे ऐप हैं जो आपको टेक्स्ट रीड करके दे देंगे और बहुत सारे चैनल हैं जो रीड कर रहे हैं, तो आपको अगर डीपली समझना है तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर ये चीज़ें आपको पता भी है, विजुअलाइजेशन भी है, तो मैं आपको इसके अलावा कई चीज़ें इसमें कवर करूंगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजेंटल लिंकिंग करके, वर्टिकल लिंकिंग करके, आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कैसे बनी, पहले क्या थी अब क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, इस चैप्टर में अभी हम करना क्या है ये देख लीजिए, हमारा आइडिया क्या है इसमें। तो ये रहा हमारा इंडेक्स स्पेस टेक्नोलॉजी का विजन IS PT 365 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PDF में। सबसे पहले हमारा नेशनल लेवल पे हमें इसरो देखना है और इसरो के जो कुछ इनिशिएटिव हैं वो देखने, जैसे गगनयान, चंद्रयान 2, जियोटेल, नाविक मिशन, GSAT 30, जेमिनाई, इंडियन डेटा रिले सेटेलाइट सिस्टम डेवलप किया गया उसके बारे में जान के, फिर हम कार्टोसैट 3 देखेंगे, RISAT 2B R1 देखेंगे और न्यू स्पेस इंडिया जो है वो क्या है, और फिर इसरो के कुछ और भी मिशन होंगे जो हम देख लेंगे। नेशनल लेवल के स्पेस एक्टिविटी करने के बाद हम नासा की तरफ जाएंगे और कुछ और भी इंटरनेशनल स्पेस मिशंस होंगे, जैसे यूरोपियन का हो गया, जापान का हो गया, रशिया का हो गया, चाइना का हो गया, तो वो भी देख लेंगे। लास्ट में कुछ स्पेस रिलेटेड हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखना, R&D, तो उसमें हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट की बात हो रही है वो डिस्कस करके ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करेंगे, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स पर बेस्ड होगी, और कुछ और जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो सारा भी हम इस वीडियो में और आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में पहला न्यूज़ हमारे इसरो से रिलेटेड होगा। तो गगनयान फिर से न्यूज़ में है, गगनयान फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक नेशनल गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है और उसमें डिफरेंट सेक्टर से, इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री से कई सारे मेंबर्स हैं। तो गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है, इट कंप्राइजेज ऑफ, बाय द वे ये रॉन्ग इंग्लिश है, इट कंप्राइजेज होता है, कंप्राइजेज के बाद ऑफ नहीं आता, कंप्राइजेज ऑलरेडी इन्वॉल्व्स ऑफ, सो नो नीड ऑफ इट, इट्स ए रिडंडेंट वर्ड। तो इट कंप्राइजेज, इसमें कौन कौन है, मल्टीपल सीनियर ऑफिसियल्स होंगे, कौन कौन होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होगा, तो यहीं से मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो मैंने DST आपको ऑलरेडी बता दिया पिछले वीडियो में, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू PM, तो ये पोस्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो को भी लाया जाएगा और उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस एडवाइजरी काउंसिल में, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस है। बाद में डायरेक्टर ऑफ प्रीमियम एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इसमें होंगे, कई सो हमारे जैसे IISc वगैरह के डायरेक्टर वगैरह हैं और फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनका भी फीडबैक आ सके। फिर हम कुछ इंडस्ट्रीज के हेड्स को भी इंक्लूड करेंगे, जैसे कि जो कि एरोस्पेस वगैरह में काम कर रहे हैं, ताकि उनका भी फीडबैक आ सके और उनको भी हम कुछ काम जो है ना डेलीगेट कर सकें। इसका ओवरऑल थीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस जो है ना गगनयान का, कि कितना हुआ, कितना काम बाकी है, उसको देखेगा। टेक्निकल डिटेल्स में भी जाएगा और कई सारे जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं स्पेस प्रोग्राम के, जैसे कोई एग्रीकल्चर का भी मिनिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व है कि स्पेस प्रोग्राम होगा तो एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट होंगे, बायोमेडिकल वाले, तो उन सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें इंक्लूड करके उन सारे से डिस्कशन किया जाएगा और एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्टेटस देखा जाएगा टेक्निकलिटीज़ में जाके। इट स्ट्रेसेज द नीड फॉर सेटिंग प्रायोरिटीज़, ये सारे जो स्टेक होल्डर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के जो स्टेक होल्डर के प्रायोरिटीज हैं उनको सेट किया जाएगा कि आप अगले 5 साल में ये काम करो, ताकि 5 साल तो नहीं बोलूंगा, गगनयान तो अगले साल का एक्सपेरिमेंट है, तो ये काम करो ताकि गगनयान हमारा सक्सेसफुल हो। बैकग्राउंड चले जाते हैं कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है वो मैंड कब से होने की बात होने लगी, तो 2004 में सबसे पहले ये डिस्कशन हुआ था, इंडिया ने मूट किया था, ये बोला था, सोचा था कि हम एक इंडियन मैंड स्पेस मिशन भेजेंगे जो कि हमारा इंडिजिनसली मतलब इसरो द्वारा डेवलप्ड होगा, बाहर के कंट्री से नहीं भेजेंगे, हमारी धरती से हमारा ही सारा इक्विपमेंट लेके हम लोग भेजेंगे। तो गगनयान इसीलिए एक इंडिजिनस मिशन है, मतलब लोकल मिशन है हमारे इंडिया का, और इसमें एस्ट्रोनॉट का स्पेस में भेजा जाएगा। और इसकी जो अनाउंसमेंट है गगनयान की वो की गई 2018 में, मोदी जी ने की थी, लेकिन जो स्पेस मिशन की बात हो रही थी वो 2004 से ही चल रही थी। इसके लिए ओवर द ईयर्स इसरो ने क्या किया है, कई सारे इसके लिए टेक्निकलिटीज़ डेवलप की हैं और टेस्ट किए हैं उनका, और जो कि गगनयान के सक्सेस के लिए काफ़ी क्रूशियल थी, क्रिटिकल थी। तो वो जो टेक्निकलिटीज जो हैं, टेक्निकल चीज़ें जो हैं, वो ये सब लिस्टेड हैं, मैं आपको ये डिटेल में भी बताऊंगा। सबसे पहले स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 2007 में किया गया था, जिसको शॉर्ट में SRE 2007 बोलते हैं।
क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक एंट्री एक्सपेरिमेंट, केयर इसको बोलते हैं शॉर्ट में, 2014 में किया गया था। जीएसएलवी MK3 जिससे ये लॉन्च किया जाएगा गगनयान, वो 2014 में डेवलप कर लिया गया। एक टेक्नोलॉजी होती है RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। और लास्ट में क्रू स्केप सिस्टम एंड पैड अबॉर्ट टेस्ट, इसका भी हो चुका है डेवलपमेंट। तो मैं सारी चीज़ें आपको ये बताऊंगा डिटेल में। उसके पहले मैं क्या करूंगा कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यहाँ पे जो इसके थे ना, इसके मेंबर्स जो थे, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी था, तो मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बताने का बोला है। उसके अलावा मैंने आपको बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी साथ में बता दूंगा, और जो एक पोस्ट होती है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू PM, वो भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। तो सबसे पहले चलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। देखिए, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है, इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है किसी और मिनिस्ट्री के अंदर ना के डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि प्राइम मिनिस्टर है तो दिल्ली में हेडक्वार्टर होगा, नहीं, हेडक्वार्टर है इसका अंतरिक्ष भवन बैंगलोर कर्नाटक में। तो अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, जिसको हम लोग अंतरिक्ष विभाग बोलते हैं हिंदी में, वो इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। और इसका काम क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है हमारे कंट्री में इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, है ना। और इसके अलावा ये स्पेस से रिलेटेड जितने भी एजेंसीज होंगे, इंक्लूडिंग इसरो और इंस्टीट्यूट, उन सारे को देखता है, और ताकि वो स्पेस का एक्सप्लोरेशन कर सकें और स्पेस टेक्नोलॉजी बना सकें। जब मैंने यहाँ पे इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोल दिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव जान लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इंडियन स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, उसका एम है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसका पर्पस क्या होगा, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करके फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कंट्री। इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, दो सैटेलाइट सिस्टम, मेजर सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किए हैं। एक तो इनसेट होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और मेटियोरोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, मतलब आपका वेदर वगैरह बताने के लिए। और दूसरा जो टाइप होता है वो IRS होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उनका काम होता है आपके कंट्री में जितने भी लैंड वगैरह है, पहाड़ वगैरह, सबका रिसोर्स मॉनिटरिंग करना, फॉरेस्ट देखना, उनका मैनेजमेंट करना। और ये दोनों के अलावा, ये तो सैटेलाइट सिस्टम हो गए, उनको लॉन्च करने के व्हीकल भी बनाए हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसरो के थ्रू। एक होता है PSLV और एक होता है GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके इवोल्यूशन की हिस्ट्री में चले जाते हैं। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1961 में जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि इंडिया में स्पेस का रिसर्च होना चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं बना हुआ था, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था वो काफ़ी पहले 1954 में ही बन गया था। तो इन्होंने स्पेस के रिसर्च की भी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दे दी। और उस समय इसके कौन थे लीडर, कौन थे चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, ऑब्वियसली होमी जहांगीर भाभा थे। ये हुआ 1961 में। 1962 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम पड़ा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, या INCOSPAR। इसके चेयरमैन होमी भाभा नहीं बने, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यही बाद में इसरो बन जाएगा, इसके चेयरमैन बने डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना। और अपना नेशनल स्पेस प्रोग्राम इंडिया ने यहाँ पे शुरू कर दिया। ये चीज़ें हो गई 1961 में, 1962 में। 1969 में क्या किया गया कि ये जो बना था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसके चेयरमैन विक्रम साराभाई थे और कमिंग विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, और इसको बोला गया कि आप एडवाइजरी बॉडी हो एक इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अंदर, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश। रिकॉन्स्टिट्यूशन करके INCOSPAR का हमने क्या बनाया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। तो इसरो की ये हिस्ट्री है 1969 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया अपना एक स्पेस मिशन, और वहीं पे बाद में 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने बनाया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कितनी देर से आया है। तो वहां से अब हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर डाल देंगे इसरो को, जो कि पहले कहाँ था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर था। तो इसरो जो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आया, वो है 1 जून 1972 के बाद, बनने के 3 साल बाद। इतने से काम नहीं होगा, हमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के कुछ एजेंसीज और इंस्टीट्यूट देखने पड़ेंगे। तो देखिए, तिरुवनंतपुरम में 3-4 चीज़ें हैं। तिरुवनंतपुरम में तो सबसे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर भी तिरुवनंतपुरम में है। फिर तिरुवनंतपुरम में और भी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बनाया गया IIST, वो बनाया गया तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम में एक इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट भी है। फिर अगर जो सैटेलाइट हमारे लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में है। और हम क्या देखेंगे, बैंगलोर में क्या है, इसरो का सैटेलाइट सेंटर है। अहमदाबाद में क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बनाया गया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में बनाया गया है। इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो है बैंगलोर में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग मैंने आपको बता दिया, और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन में है कर्नाटक में। ये हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारा। अच्छा, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंगलोर में है।
इसरो के और जो कमर्शियल आर्म की बात करेंगे तो इसरो का जो कमर्शियल आर्म होता है, पैसे बनाने का आर्म, वो होता है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, वो बिजनेस करता है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL जो है वो इसरो का ही है, वो अहमदाबाद में, उनके कुछ चेयरमैन का कन्फ्लिक्ट भी हुआ था इसरो के चेयरमैन के साथ। नेशनल एटॉमिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी गडनकी गडंकी में है। नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो उमियम में है, ये उमियम आपके शिलोंग में आपको मतलब मेघालय में मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट, अच्छा स्पेस टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आपका कवर हो गया। अब हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ चलते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको परमाणु ऊर्जा विभाग हिंदी में बोलते हैं, ये भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। और इसका हेडक्वार्टर ना दिल्ली में है ना बैंगलोर में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसको बहुत पहले स्टैब्लिश किया गया था, जैसा मैंने आपको बताया, 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। तो ये कोई स्टैचूटोरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इसको बना दिया गया था 1954 में, आज़ादी के थोड़े दिनों बाद। इसका जो एंगेजमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का है। और एप्लीकेशंस क्या करेंगे न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और बेसिक रिसर्च में। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसका जो गवर्निंग बॉडी है उसको अपेक्स बोर्ड बोलते हैं। अपेक्स बोर्ड जो है वो कहलाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रेगुलेटरी बॉर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, उसका भी ऑफिस मुंबई में ही है। कुछ और अगर इसके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर देखें तो आपको पता होगा BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो मुंबई में है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है, और फिर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, यहाँ पे छोटे छोटे जो है एटॉमिक कंपोनेंट्स को साइक्लोट्रॉन में घुमाया जाता है, उससे जो है कैंसर वगैरह की मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है, ये कोलकाता में है। और रिसेंटली इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में है, तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं उसके कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में ऑफिस है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इसकी बहुत ज़रूरत होती है अपने टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के डेवलपमेंट में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिंहभूम झारखंड में है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और लास्ट में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी, ये क्या करती है न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा करने की बात करती है, इसका हेडक्वार्टर कल्पक्कम तमिलनाडु में है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसके कुछ, हैवी वाटर बोर्ड, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड स्पेस आइसोटोप टेक्नोलॉजी। और इसके कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक और कॉलेज बना है यूनिवर्सिटी, वो हैदराबाद में है। फिर हमने एक और मेंबर की बात की थी गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, एक और जो मेंबर थे वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। तो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होता है वो कौन होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का जो एब्रेविएशन है वो PMSTIAC है। ये एक ओवर आर्किंग प्राइम मिनिस्टर के साथ लगी हुई काउंसिल है, जो कि इसके अंदर जो एक ऑफिस होता है जिसका जो चेयरमैन होता है वही प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM होता है। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो PM के होते हैं, ये सबसे पहले बने थे 1999 से 2001 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तभी ये ऑफिस बनाया गया था। उसके बाद चिदंबरम जी आए एक, उन्होंने इस ऑफिस में 2001 से 2018 मतलब टोटल 18 साल अपनी सेवा दी। और उसके बाद विजय राघवन जो हैं हमारे अभी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो 2018 से 3 अप्रैल से हमारे पास हैं। तो ये जो है ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल और उसका प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू PM, इनका काम होता है कंट्री में पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, ताकि हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। और सारे के बीच कोऑर्डिनेशन भी करता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो सारा काम करके प्राइम मिनिस्टर को बताता है। इसीलिए इसका प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल को बोला गया है। और उसके चेयरमैन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और PM ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया था कि इसरो ने इसके डेवलप करने से पहले, गगनयान के पहले कुछ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि नेसेसरी थे और टेस्टिंग की थी। तो उसमें एक किया था उन्होंने स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE 2007। होता क्या स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, जब आप अपने इस कैप्सूल को जिसमें कि क्रू मॉड्यूल होगा स्पेस में भेजोगे, तो उनको ऊपर से जमीन पर नीचे भी आना है, तो दो तरीके, या तो वो पानी में लैंड कर जाएं, फ्लोट करें और उस वहाँ से हम उनको ट्रेस कर लें, और दूसरा ये कि जमीन पर लैंड कर जाएं। तो दोनों तरह के हमें एक्सपेरिमेंट करने थे, तो हमने पानी में लैंड करने वाला जो किया तो स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखिए, ऐसा जो सैटेलाइट है जाएगा ऊपर, ये कैप्सूल हुआ जिसमें क्रू मॉड्यूल रहेगी, वहाँ पे वो 5 से 7 दिन रहेंगे 3 लोग, फिर वो नीचे आएंगे, फिर लास्ट में पैराशूट लग जाएगी और फिर वो बे ऑफ बंगाल में
उनको मतलब जो हमारा स्पेस कैप्सूल किया था उसका एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, और वो नीचे आएगा, फिर उसके फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स लगे रहेंगे साथ में, और बाद में हम उनको ट्रेस करके जीपीएस वगैरह से जाके रिकवर कर लेंगे, हमारे मेंबर्स को लेकर आएंगे। तो यही होता है स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसरो ने 2007 में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फिर होता है क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसका प्यार से नाम हमने केयर 2014 दिया है। आपको कल्पना चावला का इंसिडेंट याद होगा कि पूरा जो था स्पेसक्राफ्ट वो बर्न हो गया था, तो क्रू का जो मॉड्यूल है पूरा जिसमें मेंबर होंगे, उस मॉड्यूल का एटमॉस्फेरिक री एंट्री कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और हीट होने की का खतरा होता है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था 2014 में सक्सेसफुली किया गया था, केयर क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, देखिए ये ऐसा होता है, आपका जो है ये पहले किया गया था, ये मैंने हिंदू से लिया हुआ है, ये सेटेलाइट ऊपर गया, ऊपर गया तो जाएगा तो नॉर्मल रॉकेट की तरह, ऊपर रहेंगे 5 से 7 दिन, फिर नीचे आएंगे तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट जैसे आएंगे जिसमें कि विंग्स भी होंगे। तो हमारे पर क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब विंग ऊपर से आप स्पेस से आओगे तो कम से कम 5 किलोमीटर का रनवे चाहिए, लेकिन इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रनवे उस टाइम पे था ओनली 2 किलोमीटर्स था। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट ज़मीन पे नहीं किया, हमने इसका स्प्लैश डाउन किया बे ऑफ बंगाल में, पानी पे उतार दिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसको केयर 2014 एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। फिर होता है GSLV MK3, इसका ये लॉन्चिंग व्हीकल है, ये हमने 2014 में डेवलप कर लिया, इसकी कैपेसिटी लोड की बहुत ज़्यादा होती है, तो गगनयान के लिए यही था जो मतलब जिम्मेदार हो सकता है गगनयान को ले जाने के लिए। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर क्या होता है, आप जब लॉन्च करोगे अपने सेटेलाइट को तो उसको फिर से रीयूज करके आपको ऊपर से लॉन्च करना पड़ेगा, तो इसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर बोलते हैं। ये आराम से एक्सपेरिमेंट हो गया था। और एक लास्ट था क्रू एस्केप सिस्टम एंड पैड अबॉर्ट टेस्ट। देखिए सारे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको लग रहा होगा रिलेटेड है एटमॉस्फेरिक में री एंट्री से, लेकिन ये जो पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है क्रू एस्केप सिस्टम एंड पैड अबॉर्ट टेस्ट, वो इसलिए है कि अगर शुरुआत में ही कोई फेलर हो जाए तो आप स्पेस में जाने की बजाय, जैसे सेटेलाइट मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके, देखिए सेटेलाइट हमने लॉन्च किया लॉन्च व्हीकल से GSLV MK3 से, अब शुरू में ही 2 सेकंड में हमें पता लग गया कि कुछ फॉल्ट है, ये एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला और बहुत खतरा है। तो वहाँ पे क्या करें, लॉन्च पैड पे ही आपको अबोर्ट करके जो क्रू को निकाल देना है वहाँ से, कि आप यहाँ नहीं जाओगे, आप साइड में आ जाओगे, लैंड कर जाओ, अपना सेटेलाइट भले ऊपर चला जाए क्योंकि इसमें फॉल्ट है। इसी को बोलते हैं क्रू एस्केप सिस्टम एंड पैड अबॉर्ट टेस्ट। पैड का मतलब लॉन्चिंग पैड, उसको अबॉर्ट करना है, अबॉर्ट द मिशन बोलते हैं ना हम लोग गेमिंग में, वही वाली चीज़ है। ऑल्सो इसरो ने बाद में क्या किया, एक स्पेस कैप्सूल का डिमॉन्स्ट्रेशन किया, दिखाया कि स्पेस कैप्सूल जिसमें क्रू मॉड्यूल रहेंगे, क्रू मॉड्यूल मतलब जो क्रू जो रहेंगे हमारे एक रूम के अंदर, उसका पूरा मॉड्यूल सिस्टम उनका क्या क्या होना चाहिए उसका भी उन्होंने अनवेल किया बताया। और एक स्पेस सूट जो वो बनाएंगे इंडियन एयर फोर्स और DRDO की मदद से, उसका प्रोटोटाइप भी दिखाया, आपको याद होगा दीपक चौरसिया ने वो पहन के दिखाया था आपको एनिमेट करके, तो वही वाली चीज़ है। अच्छा, इसरो ने एक पैक्ट साइन किया है रशियन फर्म ग्लेबास्को मॉस के साथ। उनका काम यह है, देखिए ऐसा नहीं कि हम बाहर से, हमारी टेक्नोलॉजी तो इंडिजिनस है लेकिन थोड़े बहुत हेल्प तो ले ही सकते हैं ना, उन्होंने रशियन फॉर्म एक ग्लेबास्को मॉस के साथ टाई अप किया है। वो क्या करेगी कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देगी गगनयान प्रोजेक्ट के लिए रशिया में। फिर जो है इसरो ने थोड़ा सा असिस्टेंस फ्रेंच की स्पेस एजेंसी जिसको CNES बोलते हैं, जैसे अमेरिका का नासा हो गया हमारा इसरो हो गया, तो फ्रांस की जो है उसको CNES बोलते हैं, वहाँ से भी थोड़ी मदद मांगी है कि जो मेडिकल वाली मेडिसिन है, हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो गया और लाइफ सपोर्ट का सिस्टम, उसमें थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, थोड़ा हमें बता दो टेक्निकलिटीज़। चलिए अब आ जाते हैं बेसिक स्टडी पे, गगनयान मिशन है क्या है। गगनयान मिशन में क्रू होंगे तो इसलिए उसको क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाना है ऑर्बिटल करना है, इसमें क्रू है इसलिए क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, मैंड स्पेस मिशन भी बोलते हैं। और गगनयान में ये एक्सपेक्टेशन है कि 3 लोगों को हम, अभी तक जो आया है इसरो के बयान, 3 लोगों को हम, यहाँ पे 7 डेज लिखा हुआ है लेकिन 5 से 7 दिन की बात है, अभी वो क्लियर नहीं है, 3 लोगों को 5 से 7 दिन के लिए स्पेस में लेके जाएंगे। अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो इसके पहले 3 कंट्रीज़ ने ये काम किया हुआ है मैंड स्पेस मिशन भेजने का, वो USSR, Israel और US और चाइना है, इंडिया जो होगी 4th ऐसी कंट्री बनेगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2022 से पहले हम कर लेंगे गगनयान, टाइमिंग जो दिया हुआ है वो अभी दिया हुआ है दिसंबर के 2021 में। इसके पहले कि हम मैंड मिशन भेजेंगे, हमें सावधानी के लिए, हम तो अब रशिया जैसा कुत्ती को तो नहीं भेज सकते, हम जानवरों को नहीं मारते, तो हम क्या भेजेंगे, हम अपना एक व्योम मित्र भेजेंगे जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लड़की होगी, हाफ ह्यूमेनाइड है वो। तो 2 अनमैंड पहले हम गगनयान फ्लाइट्स भेजेंगे, पहला जो हम अनमैंड गगनयान फ्लाइट भेजेंगे वो भेजेंगे दिसंबर 2020 में, इसी साल आपको देखने को मिलेगा। और जुलाई 2021 में जब आप UPSC क्लियर करके ऑफिसर बन जाओगे तो हमारा दूसरा जो है अनमैंड गगनयान फ्लाइट भेजा जाएगा। उसके बाद जो हमारा मैंड मिशन भेजा जाएगा वो दिसंबर 2021 में है, जब आप लपसना में ट्रेनिंग ले रहे होगे। GSLV MK3 की बात करें जो कि लॉन्च व्हीकल है, तो वो 3 स्टेज का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, उसी से गगनयान को भेजा जाएगा क्योंकि इसकी जो है पेलोड कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम कितनी एल्टीट्यूड पे भेजेंगे, तो एक स्पेस क्राफ्ट जो हम भेजेंगे इन लोगों को लेके, वो लो अर्थ ऑर्बिट LEO में जाएगा और उसका जो एल्टीट्यूड होगा 300 से 400 किलोमीटर होगा। इसी एल्टीट्यूड पे हमने असैट का भी एक्सपेरिमेंट किया था, शक्ति मिसाइल का, एंटी मिसाइल वाला। तो 300 से 400 किलोमीटर पे लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाएगा, जाने में 16 सेकेंड लगेंगे,
सॉरी जाने में 16 मिनट्स लगेंगे और आने में 36 मिनट लगेंगे। गगनयान जो हमारा है, अगर हम कंपेयर करें रशिया के सोयूज से, चाइनीज शेंझाओ से या नासा के ओरियन स्पेस क्राफ्ट से जो कि अभी जाने वाला बाकी है, प्लान में चल रहा है, उससे हमारा गगनयान छोटा रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा। फॉर्मल एग्रीमेंट्स ऐसे तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के साथ इसरो ने अभी नहीं किए हैं, लेकिन ये बात चल रही है कि एरोस्पेस मेडिसिन के लिए, एरोस्पेस मेडिसिन बैंगलोर सेंटर से इसरो के लोगों को जो स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे, मतलब एस्ट्रोनॉट को थोड़ा ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। बाद में ये भी बात आई है कि जो ह्यूमन स्पेस मिशन में गगनयान में जो जाएंगे वो एस्ट्रोनॉट, वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट होंगे जिनकी ट्रेनिंग जो ऑलरेडी रशिया में ग्लेवस्कोमोस जो कंपनी थी उसके थ्रू दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वगैरह, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो PT-365 में क्यों इंक्लूड किया है। यहाँ पे एक रिलेटेड न्यूज़ आई है व्योम मित्र की। तो इसरो का जो अनमैंड मिशन आप भेजोगे दो जो प्लान्ड है, उसमें आप इंसान नहीं भेजोगे, व्योम मित्र को भेजोगे। देखिए व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, तो ये व्योम मित्र ऐसे नाम बनाया गया है। ये है क्या, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम है, पूरा ह्यूमनॉइड नहीं है, हाफ ह्यूमनॉइड है। और हमारे जो स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाएंगे, हमारे क्रू मेंबर, उनकी जो एक ह्यूमन की एक्टिविटी होती है उसको थोड़ा वो मिमिक करेगा और पता चलेगा कि कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है स्पेस में जाने पे। तो दो हम व्योम मित्र दो अपने अनमैन्ड स्पेस लॉन्च में भेजेंगे गगनयान के थ्रू। डेट्स तो मैंने आपको बता ही दी है। जो व्योम मित्र का डेवलपमेंट हुआ है ये UPSC पूछ सकता है। तो साइंटिस्ट एट IISc उन्होंने कोलाबरेशन किया था इसरो के साथ, तो IISc बैंगलोर की बात हो रही है, इसरो के साथ, उससे ये हाफ ह्यूमनॉइड बनाया गया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर अभी डेवलप किया गया है, इसका इनॉग्रेशन January 2019 में इसरो के ही अंदर हुआ है। और इसका काम क्या होगा, जो सारा स्पेस का हमारा बिखरा हुआ काम है डेवलपमेंट के लिए, उसको ये कोऑर्डिनेट करेगा। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो इसरो ने बनाया है उसका काम है कोऑर्डिनेशन करना, किसका, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम HSP का। और ये जो है गगनयान प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। ये एंड टू एंड सारे मिशन में प्लानिंग, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सिस्टम में, क्रू के सर्वाइवल इन स्पेस, क्रू का सेलेक्ट करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, और जो बाकी ऐसी एक्टिविटीज़ को परस्यू करने में कि ये जो हम स्पेस फ्लाइट मिशन भेज रहे हैं ये सस्टेनेबल हो, आगे भी ऐसी चीज़ें होती रहें, इसके लिए HSFC कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये इसरो का एग्जिस्टिंग जो सारे सेंटर हैं उनकी मदद लेगा। आपको मैंने दिखाया था ना इसरो के कई सारे सेंटर थे, तो सबको जोड़ के कोऑर्डिनेट करेगा HFC। और फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ द गगनयान जो हो रही है वो HSP ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ना, उसकी बात हो रही है। करेंटली HSP जो, HSP मतलब क्या हुआ, HSP मतलब हुआ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। करेंटली जो हो रहा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, उसका वर्क जो है कई जगह पर स्प्लिट है। जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मैंने आपको बताया था तिरुवनंतपुरम में, UR Rao सेटेलाइट सेंटर बैंगलोर में, इन सब में बिखरा पड़ा है। HSFC उन सारे को कोऑर्डिनेट करके, कंसोलिडेट करके काम करेगा। और इसका जो ऑफिस बनाया गया वो कर्नाटका के चल्लाकेरी में बनाया गया, तो ये भी आपको जानने की जरूरत है। ये लॉन्ग रन में इंडिया को हेल्प करेगा, क्योंकि आपको फॉरेन से मदद नहीं लेनी पड़ेगी, आप आपस में अपना डेवलपमेंट करो, कोऑर्डिनेट करो। अब यहाँ पे ये सब पढ़ने के बाद हम देख लेते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डेवलप्ड बाय इसरो कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था ब्रॉडली PSLV और GSLV, अब उसके डिटेल में चले जाइए। PSLV का जो मेन काम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, वो सैटेलाइट कौन से लॉन्च करता है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट। और इसकी जो कैपेसिटी होती है लिफ्ट ऑफ करने की 1750 kg की होती है। अगर आप सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं 600 से 900 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे। PSLV में चार स्टेज होते हैं। चार स्टेज क्या होता है, फ्यूल की स्टेज होती है, कि किस स्टेज पे आप कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से स्टेज बनाई जाती है। तो जो PSLV होता है वो काफ़ी पुराना था, तो उसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेज यूज़ करते थे, लेकिन अल्टरनेटिवली एक बार सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड, ऐसे करके चार स्टेज बनाया हुआ था। इसके पहले हमारे दो जनरेशन और डेवलप हो चुके थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। तो PSLV जो हमारा थर्ड जनरेशन का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और इसमें लिक्विड स्टेज भी इन्वॉल्व है, सॉलिड स्टेज। इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थी ना उसमें खाली सॉलिड फ्यूल यूज़ होता था, वो सॉलिड स्टेज में एक ही स्टेज में होता था, लेकिन इसमें सॉलिड लिक्विड दोनों हैं। तो लिक्विड स्टेज पहली बार कहाँ पे यूज़ किया गया आपका क्वेश्चन आएगा, तो वो PSLV में यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज नहीं आया, वो आएगा आपके जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV में। GSLV क्या है, जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होती है उसका अगर पेरिजी बताएं तो पेरिजी 250 किलोमीटर होता है, पेरिजी मतलब पास का, और एपोजी मतलब दूर का रेंज, तो वो होता है 36,000 किलोमीटर। और इस हाईली एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है इसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट भी बोलते हैं, GTO अब से हम बोलेंगे। इसके अंदर GSLV के अंदर दो आपको सैटेलाइट के वर्जन याद रखने हैं मेनली। एक तो पहले GSLV MK2 डेवलप किया गया था, ये तीन स्टेज का था। एक स्टेज में क्या था, सॉलिड था, एक स्टेज में लिक्विड यूज होता था, एक स्टेज में क्रायोजेनिक मटेरियल यूज होता था। क्रायो मतलब होता है बर्फ, तो UPSC ने एक बार पूछा था कि क्रायोस्फेयर क्या है, तो दुनिया भर में जहां जहां बर्फ है वही क्रायोस्फेयर कहलाता है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, अच्छा ये बोला है कि 4 लिक्विड स्ट्रैपॉन होता है। तो स्ट्रैपॉन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सैटेलाइट में। देखिए मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है ना ऊपर जा रहा है, इसमें फ्यूल के टैंकर लगे होते हैं, स्ट्रैपॉन किए होते हैं, 1 2
तीन चार, अब जैसे भी लगा दो, एक पीछे लगा दिया है ना, तो यही जो स्ट्रैप ऑन कहलाते हैं, इसमें कोई खास जानने की बात नहीं है। तो ये बताया कि GSLV MK2 में चार फ्यूल के लिक्विड स्ट्रैप ऑन थे, लिक्विड वाला जो फ्यूल था उसके चार स्ट्रैप ऑन थे, इन सब में लिक्विड फ्यूल भरा हुआ था, उसके अलावा सॉलिड फ्यूल भी था, और उसके अलावा एक और फ्यूल रहेगा कौन सा, क्रायोजेनिक, वो भी आप देखिएगा अभी। तो देखिए GSLV MK2 में तीन स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज में आप यूजिंग क्या यूज़ करेंगे, सॉलिड रॉकेट रॉकेट मोटर यूज़ करेंगे। सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज़ करेंगे, और थर्ड स्टेज जो होगी अपर स्टेज होगी उसमें आप क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक अपर स्टेज, लास्ट वन। ओके, GSLV MK2 में तीन स्टेज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड देन क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसकी जो कैपेबिलिटी है, अगर आप GTO में डालना चाहते हैं सेटेलाइट, तो आपकी कैपेबिलिटी है 2500 kg की, और सॉरी अगर आप लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि काफ़ी नीचे है, तो उसमें आपकी कैपेसिटी है 2500 kg ले जाने की। और अगर आप GTO में ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि एपोजी जो है कम से कम 36,000 किलोमीटर तक चली जाती है, तो वहाँ पे, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, हाँ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर ले जाना चाहते हैं तो 5,000 kg ले जा सकते हैं, क्योंकि ईजी है, छोटे लेवल पे ले जाना है एल्टीट्यूड पे। और अगर आपको GTO में ले जाना है हाई एल्टीट्यूड पे, तो आप 2500 kg ही ले जा सकते हैं। ये गगनयान के लिए सुटेबल नहीं था, इसलिए हमने 2014 में GSLV MK3 डेवलप कर लिया। इसमें भी तीन स्टेज होंगे, अब चौथा स्टेज तो प्लाज्मा का आएगा नहीं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ये इंडिजिनसली डेवलप किया था, इसके लिए हमने एक पार्टिकुलर इंजन भी किया हम फ्यूल को जलाने के लिए। तो इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड इंजन जो है उसको बोलते हैं इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन। इस इंजन को हमने नाम दिया टेक्निकल में C25। इसमें क्या होगा, इसके अलावा टू सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप ऑन लगाए जाएंगे इंजन में। पहले मैंने क्या बताया था, GSLV MK2 में चार स्ट्रैप ऑन लगाए थे हमने लिक्विड के, लेकिन हम जो है GSLV MK3 में क्या लगाएंगे, टू सॉलिड फ्यूल के स्ट्रैप ऑन लगाएंगे फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में एक लिक्विड प्रोपेलेंट का कोर होगा, और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक अपर स्टेज होगा पिछले वाले की तरह। इससे क्या होगा कि हैवी से हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आप ऊपर ले जा सकते हो। अगर आप मान लो कि LEO में ले जा रहे हो, तो आप ले जाओगे 10,000 kg तक का, देख रहे हो पिछले वाले का 5,000 kg था, उससे डबल है। और अगर आप GTO में ले जा रहे हो, तो 4,000 kg का ले जा सकते हो, पिछले वाले से 1,500 ज़्यादा है। समझ गया, ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक C25 इंजन जो है हमारे फ्यूल को लोड करने में, कम करने में मदद करता है, ताकि जो है बर्फ़ की तरह एकदम कंप्रेस होकर फ्यूल जल सके। और इंडिया जो है अमंग 6 नेशन ओनली है जिन्होंने अभी तक क्रायोजेनिक इंजन अपना डेवलप किया है। क्रायोजेनिक फ्यूल अलग है, उसको जलाने के लिए इंजन अपना इंडिजिनसली डेवलप करना ही अलग बात है। US, रसिया, फ्रांस, जापान और चाइना ने इसके पहले किया, अब इंडिया ने भी कर लिया है क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी। बाद में एक न्यूज़ आती है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। देखिए कभी कभी क्या जरूरत पड़ता है कि आपको छोटे छोटे सेटेलाइट भेजने हैं ना, कभी कभी तो ग्राम में होता है, 500 ग्राम 400 ग्राम का सेटेलाइट। अब उसके लिए अगर आप PSLV GSLV यूज़ करोगे तो खर्च बहुत आएगा, और आपको पता है कि इसरो का जो कमर्शियल है अंतरिक्ष, वो बाहर के लोगों का भी काम देख रहा है, अफ्रीकन एशियन कंट्री का सेटेलाइट भेजने का, इनफैक्ट अमेरिका का भी भेजता है, यूरोप का भी भेजता है। तो अगर बड़े महंगे महंगे यूज़ करेगा तो उन कंट्रीज़ को भी कॉस्ट पड़ेगा, वो हमारे पास बिजनेस के लिए आएंगे नहीं, और हमें भी कॉस्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमारा जो इसरो है उसने स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया। इनकी जो पेलोड कैपेसिटी होती है लो अर्थ ऑर्बिट में 500 kg की होती है, और अगर GTO में भेजना चाहें तो ओनली 300 kg की होती है। ओके, स्मॉल सेटेलाइट के लिए डेवलप इसको किसने किया है, डेवलप इसको किया है, अच्छा किस लिए किया है, मेनली कमर्शियल यूजेज के लिए किया है, छोटे छोटे सेटेलाइट भेज के पैसे कमाने के लिए अंतरिक्ष के लिए। और डेवलप इसको किया गया, जो मैंने ऑलरेडी सेंटर बताया था, इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसमें एक ही सेटेलाइट भेज सकते हो, आपको सुना होगा इसरो कई बार एक ही बार में ढेर सारे सेटेलाइट भेज सकता है। अब कैपेसिटी मान लो कि आपको भेजना है LEO में 500 kg का कैपेसिटी है, और आपको 100 kg के 5 सेटेलाइट भी भेज सकते हो साथ में, तो ये मल्टीपल सेटेलाइट को एक साथ में भेज सकते हैं, छोटे छोटे वाले हों, एल्बिट स्मॉलर वंस, है ना, ऐसा नहीं कि 1000 kg का, तो जाएगा ही नहीं, एक भी नहीं जाएगा। अच्छा, PSLV GSLV में एक चीज़ होती है, मैं आपको चीज़ बताऊँगा, टेक्निकलिटीज़ हैं कि PSLV GSLV को आप खाली वर्टिकली असेंबल कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये जो है SSLV उसको आप हॉरिजेंटली भी असेंबल कर सकते हो, तो असेंबली में बड़ी आसानी होती है। तो मैं बताता हूँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल असेंबली होती क्या है। ये वाले है वर्टिकल असेंबली, जो कि PSLV और GSLV में आप खाली वर्टिकल असेंबली कर सकते हो। आप सेटेलाइट का क्या करते हो, यहाँ से सीढ़ियाँ लगा देते हो ढेर सारी, है ना, सीढ़ियाँ लगा लेते हो ढेर सारी, और चढ़ चढ़ के जो साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है उसके डेवलपमेंट करते रहते हैं, इंजीनियर वगैरह, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल असेंबली, ठीक है। क्योंकि बड़े सेटेलाइट है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली सुला के नहीं कर सकते, धीरे 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 इस पर फ्रेम लगाना होता है और ये बड़ा सेटेलाइट बनता है। लेकिन चूंकि ये SSLV तो छोटे से हैं, तो आप आराम से जमीन पर बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, रूम में, और इनको आराम से कुछ यहाँ लगा दिए, कुछ यहाँ लगा दिए, कोई सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल असेंबली कर सकते हो। तो यही होता है, यहाँ पर इन्होंने समझाया नहीं है, SSLV कैन बी असेंबल्ड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली भी तो कर ही सकते हो, अब आपको लगे कि इतना छोटा, तो छोटा चलो खड़े होकर कर लेंगे काम। अनलाइक ये हो गया, द फर्स्ट स्टेजेज ऑफ द व्हीकल विल बी, अच्छा ये SSLV के इंजन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 स्टेजेज ऑफ द व्हीकल विल यूज सॉलिड प्रोपेलेंट। इसके फर्स्ट 3 स्टेज में हमको सॉलिड लगाना है, और जो 4th स्टेज होगा उसमें एक वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होगा। वेलोसिटी क्या होगा, ट्रिमिंग मॉड्यूल होगा, है ना,
ताकि वेलोसिटी जो है कम ज़्यादा कर सकें। तो ये इसमें मैंने बताया, वीडियो में आप लंबा नहीं करूँगा, काफ़ी कुछ ज्ञान देना था इसलिए एक ही टॉपिक में किया, लेकिन आपको काफ़ी कुछ इंडिया बुक का भी कवर हो गया। तो आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे साथ ये देखते रहिए, मैं सारी चीज़ें फिनिश करूँगा आपकी। और कुछ और भी इंसाइट्स वगैरह का भी सीरीज शुरू होने वाला है हमारे, आशीष शुरू कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, आज उसका हम लोग एक टीजर डाल देंगे। नेक्स्ट हम चंद्रयान की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे साथ आप PT365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर करते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे आर्ट एंड कल्चर चाहते हैं, और कितने वीडियो चाहते हैं आप डेली, क्योंकि बनाना तो मुझे अकेले है ये वाला, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ, बना दूंगा। ओके ठीक है, अपना ध्यान रखिए आप, टेक केयर, प्लीज़ बाहर मत जाइए, है ना, बीमारी से सुरक्षित रहिए और प्रीलिम्स की तैयारी करिए। थैंक यू, शब खैर, गुड नाइट।